काफी टाइम हो गया था कोई भी पंजाबी मूवी देखे हुए, तो सोचा क्यों ना यार पंजाबी मूवी देखा जाए। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा पुआडा मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है रुपिंदर चहल ने, और इसके अंदर जो कास्ट है मेन रोल में है एमी विर्क और सोनम बाजवा और भी अन्य कलाकार हैं। और जब भी मुझे कोई कॉमेडी वाली मूवी देखनी होती है तो मेरी मेन प्रेफरेंस में होती है लिस्ट सबसे हाई पंजाबी मूवीज की, क्योंकि यार उसके अंदर डायलॉग, उसके अंदर परफॉर्मेंस, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि इसको आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, मतलब इसमें कोई वल्गर सीन नहीं है, कोई घटिया सीन नहीं है, जैसे कि मतलब बॉलीवुड में होते हैं, उनको काफी सारी ऐसी मूवीज आ रही हैं जिनको हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, लेकिन पंजाबी मूवीज ऐसी हैं जिसको आप जाकर अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और जितनी भी मैंने अब तक पंजाबी मूवीज देखी हैं उसके अंदर बड़ों का आदर सम्मान करना, अपने कल्चर से कनेक्ट रहना, ये सब चीजें उसके अंदर दिखाई गई हैं, जितनी मैंने देखी हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक लड़का है जो दूध बेचता है, एक लड़की है जिसने MBA कर रखी है। अब लड़का इस लड़की को पसंद करता है और मतलब कि जो लड़की है वो भी इसको पसंद करने लग जाती है, मतलब दोनों को प्यार हो जाता है। अब यार ये कोई मेकर्स मुझे ये बताओ कि ये सब चीज हुई कैसे, जो अगर उन तक ये वीडियो जा रही है 40 व्यू से तो ऊपर आते नहीं है। खैर अपने बैक टू द पॉइंट, अपने पॉइंट पर आते हैं वापस। देखो यार स्टोरी के अंदर ये वाली जो चीज होती है कि एक लड़का एक लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लड़का दूध बेचने वाला, लड़की MBA है, तो अब इस लड़के को इसकी लड़की के पिता को इंप्रेस करना होता है। और ये जो लड़का है उस लड़की के पिता को जब इंप्रेस कर रहा होता है तो इसमें कुछ चीजें अनहोनी हो जाती है, ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती हैं या फिर कुछ लोगों की एंट्री ऐसी हो जाती है कि भैया ये मूवी बहुत ज्यादा फनी हो जाती है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि यार देखो ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उतना ही आप लोगों को बताऊं, क्योंकि यार थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन जाना एक तरीके का स्पॉइलर चला जाएगा और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता हूं। और जब मैंने मूवी देखने गया था, जब थिएटर में इसको मूवी देखने गया था, तो यहां पर मैं इसका ट्रेलर देखे बिना ही चला गया था, क्योंकि लगी हुई थी, मैंने कहा चलो यार ये ही वाली मूवी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हंसने का मन कर रहा था, कॉमेडी चाहिए थी, एक अलग सा जॉनर मुझे चाहिए था। तभी मेरा ये मन किया कि बिना ट्रेलर देखे इसी मूवी को देखने पहुंचो, तो मुझे एक सरप्राइज लगा यार ये जो मूवी देखने बैठा, कहानी मुझे अच्छी लगी। तो आप भी जाएं तो ये बिना, अगर आपके मोहल्ले में आसपास में लगी हुई है तो ये। और ये जो मूवी है वो कोई लव स्टोरी वाली मूवी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि लास्ट में कोई आपको इमोशनल होना पड़ेगा, रोना धोना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी मूवी है, इंजॉय करने वाले हो, ड्रामा है, कॉमेडी है, यानी ये दो चीजें तो भरपूर मात्रा में है। और जो चीज आप लोगों को इसमें पसंद आने वाली है वो है इसके डायलॉग। एक तो जो डायलॉग आपको पसंद आएंगे तो आप डेली लाइफ से, अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं आपको उसको कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली जब मैं उसके डायलॉग सुन रहा था तो मैं देख रहा था कि यार हाँ ये चीज मोहल्ले में हो रही है, ये जब पति पत्नी के बीच में ऐसी लड़ाइयां हो रही हैं वैसे सुना रहे, तो ये चीज सुनने को जो वहां मिलती है तो जो और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। और यहां पर जो डायलॉग है वो सही टाइमिंग पे बोले गए हैं, जो इस मूवी का मतलब इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तकरीबन जो इस मूवी की जो लेंथ है वो 2 घंटे 10 मिनट की, और सच में ये आप लोगों को कहीं पर भी बोर नहीं होने वाली है, एक डिसेंट सा इंटरेस्ट आपका इसमें बना रहेगा। अगर आप लोगों को पंजाबी समझ में आती है तो बेसिकली आप ये मूवी जाकर देख सकते हैं, और वैसे भी नहीं आती है तो इतनी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बहुत प्यारी और इजी लैंग्वेज है, आप देखने जाओगे तो आपको समझ आ ही जाएगी। और लगभग जितनी पंजाबी मूवीज होती हैं उनके अंदर जो सॉन्ग होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जैसे कि इस मूवी के अंदर, पुआडा मूवी के अंदर जितने भी सॉन्ग है वो काफी बढ़िया है। आप जब उसको मूवी के दौरान सुनोगे तो आप उनको बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, इवन बाहर आओगे जब मूवी देखकर आप उनको गानों को सर्च भी करोगे, जैसे मैंने किया था, मुझे पसंद आए थे वो गाने। तो ये तो थी सारी इसकी पॉजिटिव बातें। कुछ नेगेटिव चीजें जो इसके अंदर मुझे लगी, इसका एंडिंग पॉइंट मुझे थोड़ा सा वीक लगा, मतलब कि हम जब देख रहे हैं कि ऐसी चीजें हमने देखी हुई हैं काफी सारी मूवीज के अंदर, एक बंदा भाग रहा है उसके साथ पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, फिर वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ अलग हरकतें कर रहे हैं, तो जिससे मूवी थोड़ी बहुत फनी बन जाती है, तो ऐसा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें फन थोड़ा कम हो जाता है लास्ट में। और इस मूवी के जो लास्ट में एक सीन आता है जिसके अंदर जो लोग हैं वो एक विलन को मार रहे होते हैं, तो वो वाला जो सीन, जो फ्रेम मैंने देखा उसके अंदर जो मारने वाले जो सीन था, एक जैसे दिखाया गया गांव वाले मार रहे हैं, तो उसमें वो मार भी नहीं रहे, इवन टच भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही वो नकली सा, वो फेक वाली वो फीलिंग लगी मुझे, तो ये वाली चीज थोड़ी बहुत मुझे वहां पर खटकी। इसकी एंडिंग जो हमें देखने को मिल रही है कि वो हमने बहुत बार देखी भी हुई है, तो ये वाली जो चीज मुझे नेगेटिव इस मूवी के अंदर लगी। बाकी मूवी के अंदर कॉमेडी आपको भरपूर मिलने वाली है, ड्रामा काफी अच्छा है। कॉमेडी की अगर बात करूं तो एमी विर्क की मां का जिन्होंने इसके अंदर रोल किया है और जो सोनम बाजवा उनके पिता का रोल जिन्होंने इसमें किया है, तो दोनों के बीच में जो बहस होती है वो बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। सच में जो परफॉर्मेंस है इस मूवी की वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। अब ओवरऑल पूरी समरी आप लोगों को इस मूवी की दूं तो देखो यार मूवी की कहानी अच्छी है, थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल है, आप उसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे, एंडिंग को लेकर थोड़ी बहुत आपको निराशा हो सकती है, कॉमेडी काफी अच्छी है, ड्रामा आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, परफॉर्मेंस तो इसमें है ही अच्छी,
और गाने भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो अगर आपके आसपास के मोहल्ले में लगी हुई है, थिएटर्स में लगी हुई है, तो जाकर देख सकते हो। मतलब कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार हाँ हमने कोई पैसे खराब कर दिए हैं। डिसेंट मूवी है, अच्छी मूवी है, आपका एक टाइम अच्छे से मतलब पास हो जाएगा, वर्थ इट रहेगा इसको देखना। आप फैमिली के साथ जाएंगे तो आप इसको और ज्यादा एंजॉय करने वाले। तो बस आज के इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।